वेलकम एवरीवन। आपका क्लास टेंथ का चैप्टर 12 हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, और इसके दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कहाँ से ये चार्ज आता है किसी बॉडी के ऊपर, और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, किन किन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था, इन सब को डिस्कस कर लिया था। और वो लेक्चर आपका पूरा का पूरा बेस बनाने के लिए आपको दिया गया था। ओके, अब क्या रहेगा, जो मेन चैप्टर की हमारे पास थीम है ये इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कूलम, ठीक है, एक यूनिट आई थी चार्ज की। कूलम क्या था, इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को किस चीज़ में मेजर करते हैं, कूलम्स में। कई बार आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, कुछ वर्ड्स हैं वे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जगहों पर यूज़ होते हैं। जैसे कि आपके पास वर्ड बता देता हूँ, कई बार आपको एम स्मॉल एम, ये क्या है आपके पास स्मॉल एम, इसको पढ़ा जाता है मिली, हर जगह के लिए लागू होगा ये आपके पास, ठीक है। आगे तक मिली का मतलब होता है 10^-3, ठीक है, मिली का मतलब होता है 10^-3। जैसे आपके पास मिलीग्राम लिखा है, ठीक है, जैसे आपके पास 1 मिलीग्राम लिखा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 as it is। मिली का मतलब मैंने बताया 10^-3 और ग्राम एज इट इज़, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10^-3 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, मिली स्मॉल एम लिखा है, मिलीग्राम स्मॉल एम। इसके अलावा आपके पास कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम, इसको पढ़ा जाता है मेगा, कैपिटल एम को पढ़ा जाता है मेगा, जैसे मेगा वोट, ठीक है, इसको लिखा जाता है 10^+6, 10^+6 मेगा। जैसे आपके पास 1 मेगावाट पावर सप्लाई है, तो इसको 1 को एज इट इज़, मेगा का मतलब 10^+6 वाट एज इट इज़, तो एक मेगावाट आपके पास 10^6 वाट के बराबर होता है। मतलब अभी वाट वाट में मत जाओ, आपको मेगा का मतलब समझा रहा हूँ, मेगा का मतलब 10^6। ओके, इसके अलावा आपके पास के, स्मॉल के या के ऐसा बना लो, स्मॉल ही होता है वैसे, ठीक है, के, इसको पढ़ा जाता है किलो, ठीक है, के इसको पढ़ा जाता है किलो, और 1 किलो में आता है आपके पास 10^3, ठीक है, के ऐसा ही बनाया जाता है वो स्मॉलली इसी तरीके से। जैसे आपके पास 1 kg, तो के का मतलब कितना है 10^3 जी को एज इट इज़, के की जगह 10^3 लिखा, जी को एज इट इज़, तो 1 kg किसके बराबर आ गया, 1000 ग्राम के, है ना, 10^3000 होता है आपके पास, तो ये के का मतलब होता है 10^3। कई बार आपने देखा होगा जैसे 2020 चल रहा है तो 2K20 लिख देते हैं, तो के का मतलब 1000 से। ओके, या कोई सैलरी बताता है, जैसे मान लो किसी की सैलरी 50,000 है, तो वो ऐसे बोल देता है मेरी सैलरी 50K है, ठीक है। या आप YouTube पे लाइक्स वगैरह देखते हो, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके लाइक्स जो हज़ारों में होते हैं, तो वो वहाँ पे के लिख देते हैं 1000 की बजाय, तो के का मतलब ये होता है आपके पास। कई पे मिलियंस लिखा रहता है, कैपिटल M, 10^6, ठीक है, ये के हो गया। एक और जो बड़ा सा फेमस है वो है माइक्रो, क्या है माइक्रो, माइक्रो का सिंबल देख लो, ऐसा यू बना के, यू बनाया और थोड़ा सा यहाँ से ऐसा होता है माइक्रो, ठीक है, यू बना के बस इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है आपको, इसको बोला जाता है माइक्रो। और जो ये सिंबल है ना, इसको पढ़ा जाता है म्यू करके, बोलने में इसको म्यू पढ़ा जाता है, म्यू, ठीक है, इसको म्यू पढ़ा जाता है। और होता क्या है, ये माइक्रो, और 1 माइक्रो आपके पास 10^-6 के बराबर होता है। तो कई बार आपको ऐसे चार्ज मिला करेंगे, एक बॉडी है जिस पर चार्ज है 10 माइक्रो कूलम का, ठीक है, इस तरीके से चार्ज दे रखा होगा, तो पर आप हरदम SI यूनिट्स में डील करते हैं, जैसे कई बार छोटी क्लासेस में या आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह करते वक्त या मैथ्स में भी आप बाकी चीज़ें मीटर में दे रखी हो, 1 सेंटीमीटर में दे रखे हो, तो आप क्या करते थे, सेंटीमीटर वाली को भी मीटर में चेंज कर देते थे, है ना, तो SI यूनिट्स में हम बात करते हैं, तो आप इस माइक्रो में जब दे रखा होगा तो इसको वापस कूलम में लेके आना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये 10 as it is,
माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलाम एजरीज। तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं थी तो एक पावर मानी जाएगी, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 10 की पावर माइनस 5 कूलाम बन गया। तो वन ये 10 माइक्रो कूलाम किसके बराबर आया, 10 की पावर माइनस 5 कूलाम में। तो इस तरीके से 10 मिली कूलाम भी लिखा रह सकता है, 10 माइक्रो भी, 10 K भी, ठीक है, कुछ भी। तो इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कूलाम कूलाम में। जैसे मैंने इधर ग्राम में लगा के दिखाया आपको कि जी ग्राम मिलीग्राम, ठीक है, कहीं पर भी ये वर्ड्स आ जाए, मिली सेकेंड, 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स, ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड भी होती है, मिली सेकेंड भी होती है, मिली मिली एम्पियर करंट भी होता है। इस तरीके से हर जगह पे ये वर्ड्स यूज़ होंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं पर आपके काम के यही हैं अभी। ओके, तो इनको याद रखेंगे, किसका मतलब क्या होता है, एम स्मॉल एम है तो उसका मतलब 10 की पावर माइनस 3 है, कैपिटल एम है तो उसका मतलब 10 की पावर प्लस 6 है, के लिखा है तो 10 की पावर प्लस 3, और माइक्रो म्यू लिखा है तो 10 की पावर माइनस 6, ये याद रखेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इससे पहले जो मेन था, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, वो लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है, अगर वो नहीं देखा है तो फिर इस लेक्चर को अभी बंद कर दीजिए, पहले उन लेक्चर्स को देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखिए करंट जो है इंग्लिश का वर्ड है, जो करंट है ना ये इंग्लिश का वर्ड है, करंट का मतलब फ्लो, किसी चीज़ के फ्लो से मतलब है। जैसे इंग्लिश में वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे वाटर करंट, अगर वाटर के साथ आपने करंट लगा दिया तो इसका हिंदी में अगर आप मतलब करेंगे तो पानी का बहाव, पानी का फ्लो, ठीक है, पानी के फ्लो को बोल देते हैं वाटर करंट, वाटर के फ्लो को बोलते हैं वाटर करंट। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ एयर करंट, अगर मैं वर्ड यूज़ कर दूँ एयर करंट, तो इसका हवा के बहने को बोलते हैं एयर करंट, ठीक है। हवा जब बहती है तो उसको आप एयर करंट, करंट का मतलब ही फ्लो से है किसी चीज़ के, उसके आगे जो लिखा है उस चीज़ के फ्लो से मतलब होता है करंट का, ठीक है। तो करंट का मतलब कोई चीज़ बह रही है, एक बात समझ में आ गई, कोई चीज़ बहने लग रही है, फ्लो कर रही है। तो वाटर करंट का मतलब पानी फ्लो कर रहा है, एयर करंट का मतलब एयर फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में क्या चीज़ फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट में जो चीज़ फ्लो करती है वो है चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करता है, चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी इतना ही लिखा है, ये पूरा नहीं है, अभी मैं एक एक करके पॉइंट लेके आ रहा हूँ। चार्जेस के फ्लो को करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वाटर के फ्लो को वाटर करंट, एयर के फ्लो को एयर करंट। इसी तरीके से चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पर उसका कुछ ऐसा नहीं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, ठीक है, कैसे भी इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हरदम करंट बनाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने मॉडल पढ़ा है, बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो क्या बोलते थे कि आपके पास एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, ये बताया ना भाई, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इधर प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इधर घूम रहे हैं वो मूव तो कर रहे हैं, मतलब कि चार्जेस मूव कर रहे हैं। हालांकि प्रोटॉन के घूमने की अभी तक हमने कोई बात नहीं करी, प्रोटॉन को हम ऐसे ही दिखाते हैं क्योंकि वो हैवी है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो मतलब घूम तो रहा है ना, चल तो रहा है, मतलब कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो क्या यहाँ पर कोई करंट है, इस एटम के पास कोई करंट है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये बनता है आपके पास। तो हरदम चार्जेस का फ्लो करंट बनाए या ना बनाए, ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो आप बाजार में गए, बाजार से जाके आप एक वायर खरीद के लेके आए, ठीक है, ये वायर खरीद के लेके आए, इस तरीके से वायर को आप हाथ में पकड़ के लेके आए हो, यहाँ पर मैं अभी भी इसको हाथ में लिया हुआ हूँ, मैं हमको कोई करंट नहीं लगता,
ठीक है, इस वायर में, वायर एटम से मिलके बना, हर एक मैटर एटम से मिलके बना है, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं ना, तो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो आप बोलते हो फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, अगर तो उसका मतलब अगर इसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इसमें करंट होना चाहिए, अगर इसमें करंट है तो मेरे को लगना चाहिए, शॉक लगता है सबको बताया, करंट हो तो थोड़ा सा कहीं से छिला हो तब भी मेरे को शॉक नहीं लगेगा इससे। बाजार से आप जो वायर लेके आए उसके अंदर जो कॉपर होता है, वायर को छीलते हैं तो अंदर कॉपर निकलता है ना, तो उसको भी छू के देख लो, आपको करंट नहीं लगेगा जैसे ही आप बाजार से लेके आए। हालांकि उनमें चार्ज फ्लो ज़रूर कर रहा है, क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, मार्कर के अंदर भी, बोर्ड के अंदर भी, इस वायर के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब तो हर चीज़ के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज है तो हर चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट होगा, पर ऐसा तो नहीं है। छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बेटर कंडक्टर होते हैं, कुछ चीज़ें तो करंट को जाने देती है, कुछ चीज़ें नहीं जाने देती, जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी थी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने देती है। लकड़ी से आप एक वायर को छुओ तो उसमें करंट नहीं लगता, आप लोहे की रोड से छुओ तो करंट लग जाता है ना, तो हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हर चीज़ में उनका फ्लो करंट नहीं बनाता, तो कुछ तो और भी प्रॉपर्टी होगी ना चार्ज के फ्लो से कि वो आपके पास करंट कब बनाएगी और कब नहीं बनाएगी, तो वो चीज़ देख रहे हैं। तो आपने देखा इस वायर को बाजार से डायरेक्ट लाके, जैसे कि इसके अंदर का जो कॉपर का वायर है मैं उसको टच कर लूँ, मेरे को करंट नहीं लगता, हालांकि चार्ज फ्लो कर रहे थे, ठीक है। फिर अब मैं इसी वायर को या जो वायर मैं बाजार से लेके आया हूँ उसको मेन सप्लाई में लगा के अगर टच करूँ, या जो बाहर जो सप्लाई जो आपके पोल से जो वायर गए होते हैं उनको जाके आप टच करें, ठीक है, ज़मीन से छूकर, तो आपको करंट लगता है, उधर शॉक लगता है, तो वहाँ वाले वायर में और इस वाले वायर में क्या फ़र्क है, ये चीज़ समझना है हमको, ठीक है। करंट किस चीज़ ने बनाया ये चीज़ समझना है। तो हरदम फ्लो ऑफ चार्जेस करंट नहीं बनाता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से करंट बनता है, ये चीज़ समझनी है हमने, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई वायर आप ऐसे ही लेके आए, आप क्या किए, एक वायर ले आए, सपोज करो ये वो वायर है जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, बाजार से एक वायर ले आए, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसके अंदर एटम्स होंगे भाई, एटम्स से तो मिलके बनी होती है सारी चीज़ें। अब कोई मेरे को बता सकता है इसके अंदर कितने एटम हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस की भी पावर, ट्रिलियंस, इतने ज़्यादा आपके पास एटम्स होंगे, एटम्स तो दिखते नहीं है ना आँखों से, इतने छोटे होते हैं, तो अरबों खरबों उनकी भी पावर बहुत सारी, इतने ज़्यादा एटम्स इसके अंदर हो गए, ठीक है। आप सभी इनको पता है कि एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं, तो किसी भी, अब वो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल कौन सा है, 10 की पावर 23, 10 की पावर 30 तक इतने ज़्यादा एटम हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, इतने सारे एटम है, 10 की पावर 23 लगा लो, ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लगा लो कि लगभग इतने हैं, 10 की पावर 23 इतने सारे एटम्स, और हर एटम में अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, पर वहाँ पे दिक्कत क्या है, वे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं रैंडमली, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ मैं, ये कब बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बात कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर जा रहा है, तो करोड़ों इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में कोई इलेक्ट्रॉन अगर उधर जा रहा है तो कोई इधर भी जाता ज़रूर मिलेगा आपको, रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि उनके जो, ऐसा नहीं है कि जैसे फौज की परेड होती है तो फौजियों को आपको सीधा ही जाना है, ठीक है, फौजियों को तो आपको डायरेक्शन दे रखी है उस तरफ जाना है, इलेक्ट्रॉन्स को कौन डायरेक्शन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, तो कोई उधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, ठीक है, कोई आपके पास इस तरफ जा रहा होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मिल जाएगा जो इस साइड जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास ऊपर जा रहा होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मिल जाएगा जो आपके पास नीचे जा रहा होगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास थोड़ा सा इस तरफ जा रहा होगा तो कोई थोड़ा सा इस तरफ भी जा रहा होगा, तो इस तरीके से रैंडमली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है,
रैंडमली कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, मतलब कि अगर मैं नेट, मेरे को तो क्या देखना है, फ्लो ऑफ चार्ज। अभी ये फ्लो ऑफ चार्ज एक पॉइंट आ गया था अभी तक, फ्लो ऑफ चार्ज, अभी मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या बनेंगे। एक पॉइंट है फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरा फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ पर देखना है आपने, तो आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ में आप करंट देखना चाहते हो उसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ये आपके पास मार्कर है तो इसको ऐसा क्रॉस किया तो ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में एक क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं इसको बाद में कंबाइन करूंगा सारी डेफिनेशन को, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट कर लो, जहां पर भी आपको करंट चेक करना है वहां पर एक एरिया सेलेक्ट कर लो। तो सपोज करो मैं यहां पर करंट देखना चाह रहा हूं, यहां पर, तो आपने ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट कर लिया, मतलब एक एरिया सेलेक्ट करना आपने, ठीक है। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं करंट देखना चाह रहा था, ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। उस एरिया में चेक करना है आपने कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने चेक करने के लिए देखा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है इस एरिया से, ठीक है। क्या देखा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ चला गया। फिर मैंने क्या देखा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख रहा हूँ मैं घड़ी में, ठीक है, मैंने कोई टाइम चला दिया और मैं देख रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, उसी टाइम पर मैंने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, क्योंकि रैंडम करोड़ों और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई उधर जा रहा होगा तो कोई इस तरफ भी आ रहा होगा। जैसे अगर कहीं पे मेला लगा है वहाँ पे लाखों हज़ारों आदमी आ गए, तो कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, हर डायरेक्शन में कोई ना कोई जाता आपको दिखता है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, उसी टाइम पे इस एरिया से एक इलेक्ट्रॉन उधर गया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अभी तक इस सिचुएशन को एनालाइज करो और मेरे को बताओ, क्या कोई चार्ज इससे पास हुआ, एक उधर गया एक इधर गया, नेट तो जीरो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, नेट तो जीरो, कोई चार्ज पास नहीं हुआ अभी तक इस एरिया से। अब फिर देखो, फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से निकल के गया है इस एरिया से, और उसी टाइम पे मैंने ये भी देखा कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा रहा है, अभी भी नेट जीरो ही है, एक उस साइड गया तो एक इस साइड चला गया, मैंने देखा एक इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड भी जा रहा है। तो अल्टीमेटली जब आप कोई भी, जो वायर आप बाजार से लेके आए थे इस तरीके का, आप उसमें कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेलेक्ट करो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, कहीं भी कर लो, आप हरदम क्या पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जितने जा रहे हैं उसी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जितने ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतने नीचे की तरफ भी जा रहे हैं। तो किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उससे दूसरी डायरेक्शन में भी जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में पास ही नहीं कर रहा है। नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज जीरो। इस टाइम पे कोई भी नेट चार्ज तो फ्लो ही नहीं हुआ ना भाई, किसी चीज का नेट कैसे निकालते हो। जैसे मान लो एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे से आपको नेट ये निकालना है कि कितने आदमी उस तरफ गए, सिर्फ उस तरफ के देखने, ठीक है। तो आपने देखा एक आदमी उस तरफ चला गया और एक आदमी इस तरफ आ गया, है तो बराबर ही, उस तरफ जाके इस तरफ आ गया, वही आदमी उस तरफ जाके इस तरफ आ गया, या एक आदमी उस तरफ गया एक तरफ, एक आदमी इस तरफ आ गया, तो क्या गिनती में कोई फर्क होएगा। मान लो एक मॉल के अंदर 1000 आदमी है या 100 आदमी है, तो 101वां आदमी अंदर एंटर करा और एक आदमी बाहर निकल गया उसी टाइम पे, तो गिनती तो 100 ही रही ना अंदर वालों की गिनती चेंज नहीं हुई। अंदर वालों की गिनती तब चेंज होती जब बाहर कोई नहीं आता, सब बस अंदर अंदर जाते, तो जिस टाइम पे एक अंदर गया उसी टाइम पे एक बाहर आ गया, तो अंदर की गिनती तो उतनी रही, कोई नेट तो आपके पास चेंज आया ही नहीं। सेम वे में एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ गया तो एक इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पे इस तरफ भी आ गया था, तो गिनती में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चार्ज फ्लो ही नहीं हुआ, इसका मतलब कोई आपके पास क्वांटिटी में चेंज आया ही नहीं। ओके, तो आपने क्या देखा कि जो आप नॉर्मल वायर लेते हो जिसमें करंट नहीं लग रहा है, हालांकि उसमें चार्ज फ्लो हो रहा था, तो खाली फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं बनाता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं बनाता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए नेट डायरेक्शन आपके पास करंट बनाता है, ठीक है। तो आपका जो चार्ज फ्लो तो होना चाहिए, पर किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। जब चार्ज एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता होगा तब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ओके,
ठीक है, तो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, मैं बताऊंगा वो होता कैसे है, ये कैसे अचीव किया जाता है, बाहर वाले वायर में ऐसा क्या हो गया था कि चार्जेज एक ही तरफ फ्लो करे। तो देखिए आपके पास क्या होता है, अगर आप इस क्रॉस सेक्शन में ऐसा पाए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ जा रहे, उल्टा कोई आ ही नहीं रहा, तो आप क्या देखेंगे, एक नेट फ्लो है एक ही डायरेक्शन में, इसको करंट बोला करेंगे हम। तो करंट किसको बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो तो है, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो तो है, पर किसी एक ही डायरेक्शन में। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बात समझ में आई, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, मैंने ये अभी तक पॉइंट गिनाए थे आपको क्या क्या है, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशंस वगैरह आपके पास इम्पोर्टेंट होती है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्यों लिखा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंडक्टर उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनसे करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मेन मेन पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस का फ्लो होना जरूरी है, पर फ्लो ऐसा रैंडम ना हो, फ्लो किसी एक ही डायरेक्शन में हो आपके पास, ठीक है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इसको देखना कहाँ होता है, किसी भी एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया से इसको चेक करना होता है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर वेक्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जिनका मैग्नीट्यूड होता है खाली, डायरेक्शंस नहीं होते। तो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। अभी और चलते हैं इसी के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, इसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो यूनिट होती है इसकी एम्पियर, एम्पियर, और सिंबल होता है कैपिटल ए। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, एम्पीरे कुछ करके नाम था उनका, तो एम्पियर स्मॉल, जब पूरा नाम लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो एम्पियर और कैपिटल ए इसका सिंबल। जैसे 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, तो जो घर में करंट आता है उसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। अभी डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है, वो भी देखेंगे हम, अभी थोड़ा सा और भी रहता है हमारे पास इसमें, फिर हम उस एम्पियर को भी डिफाइन करेंगे। इसको जो मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेज़र किया जाता है, कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप ये मेज़र कर लेते हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, भाई कोई चीज़ तो होगी ना मेज़र करने के लिए। जैसे आपके पास गाड़ी या बसेस वगैरह में, आपके पास या बाइक या स्कूटी वगैरह में स्पीड को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, इसी तरीके से आपके पास करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर होता है, ठीक है, एमीटर शायद स्पेलिंग देख लेना, शायद ए एम आता हो, एमीटर, ओके, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा एमीटर की स्पेलिंग, ठीक है, देख लेना एमीटर की स्पेलिंग। तो एक एमीटर करके डिवाइस होता है जो कि आपके पास करंट को मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है, ओके। तो और चलते हैं इसी के अंदर, कि जो बाहर से जो हमारे पास वायर है उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपके पास चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गए,
जो नॉर्मल आप बाजार से वायर खरीद के लेके आए थे तो उसके अंदर तो चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे थे, बाहर से जो वायर गया होता है जो पोल से उसके अंदर ऐसा क्या है कि आपको करंट लग रहा है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, चलो उसको पोटेंशियल में बताऊंगा अभी, एक मिनट और कुछ देख लेते हैं। देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं करंट, सीखेंगे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे फ्लो करवा लेते हैं, ठीक है वो चीज़ भी सीखेंगे अभी। ये तो अभी डेफिनेशन आई कि करंट क्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेजर कैसे करेंगे कि करंट कितना है, कैसे निकालेंगे कि है कितना। डेफिनेशन तो समझ में आ गई, चार्जेस के फ्लो को करंट बोलते हैं, किसी एक डायरेक्शन में किसी वायर के थ्रू चार्जेस के फ्लो को आप क्या बोलते हैं करंट, पर इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे अब ये बात है। तो मेजरमेंट ऑफ द करंट, करंट को मेजर कैसे किया जाए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है करंट को मेजर कैसे किया जाए। तो देखें कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपने सिलेक्ट किया था उस कंडक्टर के अंदर, उससे चार्जेस फ्लो हो रहे थे किसी टाइम में, मान लो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन से इस तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन से इस तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन से इस तरफ जा रहे थे इस तरीके से, ठीक है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से इस तरफ जा रहे थे, तो आपको क्या करना है चार्जेस का फ्लो हो मेजर कर लो, चार्जेस का फ्लो तो हो रहा है पर कितना फ्लो हो रहा है, किस स्पीड से किस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब कि एक तो ऐसा हो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आया चला गया, एक देखा कि आप वेट कर रहे हो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, 3 घंटे बाद एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर आधे घंटे बाद एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है एक तो ऐसा हो, और एक ऐसा हो कि हर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जो रेट है ना उस पर डिपेंड करता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस का फ्लो किस रेट से हो रहा है। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्जेस का फ्लो करंट तो बनाता है, पर कितना ज़्यादा करंट होगा या कितना कम करंट होगा ये कौन बताएगा कि चार्जेस कम फ्लो हो रहे हैं या ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, ठीक है तो चार्जेस का फ्लो करंट जरूर बना रहा है पर चार्जेस वो करंट कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपको करंट किसी जगह पर भी मेजर करना है, किसी भी जगह पे करंट मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आपको इतना पता चल गया करंट है पर उसको मेजर करना है तो आप क्या चीज़ मेजर करेंगे, आप मेजर करेंगे कि चार्ज फ्लो तो कर रहे हैं पर वो किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स द मेजरमेंट ऑफ करंट, गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लिख लो इसमें, ठीक है थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको रब कर देता हूँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए भाई दोबारा से एक बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, कोई वायर है, वायर से अगर चार्जेस का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो तो आप बोलेंगे वहाँ पर करंट तो है, पर आपने घरों में देखा होगा कहीं पे कोई किसी चीज़ पे ज़्यादा करंट आ रहा है किसी में कम करंट आ रहा है, आप सभी को पता है जो बाहर से वायर गए होते हैं हाई वोल्टेज जो खेतों से गए हुए हैं, ठीक है कहीं पर ज़्यादा करंट है कहीं पे कम करंट है, तो वो कम ज़्यादा करंट कैसे होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस किस रेट कितने चार्जेस गए और कितने टाइम में गए इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, और जब भी टाइम की बात होती है तो उसको रेट वर्ड यूज़ बोलता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चार्जेस के फ्लो करने की रेट कितनी है, ठीक है मान लो यहाँ से, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट की मेजरमेंट आई से होते हैं, ये क्या है आपके पास रे, अभी हमने क्या बताया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोल रहे हैं हम, करंट। और इसको मैथमेटिकली मैं लिखूँ तो आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। जब भी यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो उसको रेट वर्ड बोलने में वो रेट आता है। जब भी कभी रेट लग रहा हो तो बोलने में नीचे मतलब कि टाइम के साथ आप उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है या एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसे एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट वर्ड का मतलब होता है नीचे टाइम आ रहा है, आप टाइम के साथ चेंज देख रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है। रेट वर्ड का मतलब क्या है, टाइम के साथ चेंज को देखना, ओके। तो यहाँ पर चार्ज के फ्लो की रेट का मतलब क्या है, टाइम के साथ कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो वही बताएगा आपको कि करंट कितना है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, और जैसे मान लो यहाँ से देखिए, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन गए। सपोज करो इन चार इलेक्ट्रॉन ने जाने में लिए आपके पास 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड ली। फिर आपने क्या किया, एक वही क्रॉस उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और देखा कि चार ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे ही ले रहे हैं बस 2 सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम जा रहे हैं, इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन, चार चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, इसमें भी चार चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, पर इनके फ्लो करने की रेट अलग अलग है। ये तो ज़्यादा टाइम ले रहा है फ्लो करने में, ये कम टाइम ले रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर चार्जेस के फ्लो करने की रेट ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 सेकंड ले रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन बस 2 सेकंड ले रहे हैं, तो फ्लो करने की रेट कहाँ पर ज़्यादा है, जो कम टाइम लेता है उसी की तो रेट ज़्यादा होती है। तो ये 2 सेकंड वाला कम टाइम ले रहा है तो इसकी रेट ज़्यादा है, इसकी रेट ज़्यादा है। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट इस पॉइंट पे, मान लो इसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम ए देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एट बी लोकेशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक करंट एट ए लोकेशन। इतनी बात तो पता चल गई कि रेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जहाँ पर रेट चार्जेस के फ्लो करने की रेट ज़्यादा होगी वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा। और अभी तक बस ये पता चला कि इधर ज़्यादा होगा, पर कितना होगा ये निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट आई इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, जनरली क्यू से रहेगा आपके पास बुक में, आगे तक क्यू से ही डिनोट करते हैं। क्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड वर्ड है इसलिए क्यू लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे करंट का। अब मैं इस केस में पहले करंट निकालता हूँ, ए केस में, फिर बी केस में, और देखेंगे ज़्यादा कौन से में आ रहा है। तो इन केस ए, ए केस में मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ करंट का, तो करंट इन ए विल बी इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितने हैं 4, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना है 4, 4 मान लो 4 कूलाम चार्ज गया मान लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, मैंने बोला 4 सेकेंड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। करंट की यूनिट क्या बताई थी मैंने, एम्पियर, तो 1 एम्पियर का करंट ए केस में फ्लो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे चार्ज नहीं बनेगा, कूलाम में चार्ज होता है, पर मैं फिलहाल चार्ज ले ले 4 ले लेता हूँ। वैसे आपको चार्ज दिया रहता है, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो 4 का कितना होगा ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। केस बी में आई बी विल बी इक्वल टू, इसमें भी 4 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पर ये कितना टाइम ले रहे हैं 2 सेकेंड, तो यहाँ पर कितने का करंट बना, 2 एम्पियर का। तो आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, वहाँ पर 1 एम्पियर का करंट है। तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, देखना दोबारा से, करंट आपके पास दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और वो कितना टाइम ले रहा है। ये वाला केस मैंने कौन सा डिस्कस करा, देखो दोनों में चार्ज तो बराबर फ्लो हो रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, पर हमने देखा कि अगर टाइम अलग है तो करंट अलग अलग होगा, टाइम पे डिपेंड कर गया कितना टाइम वो ले रहा है फ्लो करने में। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो इसी के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, टाइम सेम ले लेता हूँ, चार्ज अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर देखिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि मान लो सपोज करो इस वाले में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पर वो बस 2 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में क्रॉस कर जा रहे हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पर वो मान लो आपके पास
चार सेकंड का टाइम ले रहे हैं, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और चार सेकंड का टाइम ले रहे हैं। तो अब देखते हैं करंट क्या आता है। अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ तो आपके पास चार्ज कितने गए, आपके पास दो गए, टाइम कितना लिया, दो, तो कितना करंट आया, एक एम्पियर का। इस वाले में अब मैं करंट निकालना चाहूँ आई बी, तो कितने चार्ज गए, एक दो तीन चार, चार, कितना टाइम लिया, चार सेकंड, तो यहाँ पे कितना आया, वन एम्पियर, इसमें भी वन एम्पियर, इसमें भी वन एम्पियर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अच्छा ये मैंने टाइम भी अलग ले लिया, ठीक है, तो आपके पास कम चार्ज फ्लो कर रहे थे पर वो टाइम भी कम ले रहा था। तो ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है और आपके पास टाइम पर भी। एक और केस कर लेते हैं, वहाँ से और समझ में आ जाएगा, इसको उतार लेना। मैं अब क्या कर लेता हूँ, टाइम सेम ले लेता हूँ, चार्ज कम कर लेता हूँ इसी वाले एग्जांपल में, ठीक है। जैसे ये था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन गए थे, मान लो ये दो सेकेंड ले रहे हैं इसको क्रॉस करने में। नीचे वाले में, बी वाले में आपके पास मान लो चार इलेक्ट्रॉन गए और ये भी मान लो दो सेकंड ले रहे हैं, टाइम सेम ले लिया पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज अलग अलग है। इसमें अब मैं करंट निकालूंगा तो आपके पास चार्ज दो इलेक्ट्रॉन गए, टाइम भी दो लिया, तो एक एम्पियर आ गया। इस वाले में अगर मैं करंट निकालूं आई वी, तो इसमें चार इलेक्ट्रॉन गए डिवाइडेड बाई दो, दो सेकेंड का टाइम लिया, तो आपके पास दो एम्पियर का करंट आ गया। तो अब आपने क्या देखा, टाइम तो सेम था, उनके फ्लो करने की रेट तो सेम थी, पर यहाँ पर ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहे थे तो यहाँ पर करंट भी ज़्यादा आया, ठीक है। तो करंट आपके पास दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। दूसरा ये किस, यहाँ पे देखा हमने, देखा है इसमें भी, इसमें चार इलेक्ट्रॉन, चार चार्ज फ्लो हो रहे थे, इसमें दो ही चार्ज फ्लो हो रहे थे, तो जिसमें चार्ज का ज़्यादा फ्लो होगा वहाँ पर करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कितना फास्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा फास्ट फ्लो करेगा उतना ही कम टाइम लेगा, उतना ही कम टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। फास्ट फ्लो करने का मतलब यही होता है ना, किसी चीज़ के फास्ट चलने का मतलब क्या होता है, वो कम टाइम ले रहा है। कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो मतलब वो कोई डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम ले रही है, इसी चीज़ से तो चेक करते हो आप, ठीक है, स्पीड को। तो जो कम टाइम लेगी उसमें करंट ज़्यादा होगा। तो देखिए मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, आपने क्या बोला, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट ज़्यादा होगा। तो जो करंट है, जो आपके पास करंट है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द चार्ज फ्लो, ठीक है। तो करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, यही तो बात दिखाई है मैंने इधर, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा करंट, और मैंने बोला जितना कम टाइम कोई लेगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, टाइम कम करंट ज़्यादा, एक क्वांटिटी कम होती है दूसरी बढ़ती है, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये तो कौन था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज, जितने ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे, अगर जितने ज़्यादा चार्ज, अगर चार्ज की अमाउंट ज़्यादा है तो करंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशन होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली किसको बोलते हैं, डायरेक्टली तो किसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड बढ़ेगी तो राइट साइड भी बढ़ेगी, या राइट बढ़ेगी तो लेफ्ट भी बढ़ेगी, अगर राइट घटेगी तो लेफ्ट भी घटेगी, इसको तो बोलते हैं डायरेक्टली, एक जैसे, ठीक है, एक जैसा रिलेशन चल रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, चार्ज ज़्यादा फ्लो करेगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, चार्ज कम फ्लो करेगा तो करंट भी कम फ्लो करेगा, ओके। और एक तो चार्ज पर डिपेंड कर गया, दूसरा जो आपके पास ये करंट है ये डिपेंड करता है टाइम पे, और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली कैसे, मैंने बताया था जिसकी फ्लो करने की रेट ज़्यादा होगी, जो कम टाइम ले रहा है, ठीक है, जो कम टाइम ले रहा है उसमें आपके पास करंट ज़्यादा होगा। जैसे इस वाले में देखा था हमने, इसने कम टाइम लिया था तो यहाँ पर करंट ज़्यादा हो रहा था हमारे पास, या फर्स्ट वाले पोर्शन में देखा था, ठीक है। तो जो कम टाइम लेगा वो आपके पास ज़्यादा करंट देगा, मतलब कि टाइम तो कम है और करंट ज़्यादा, जब एक चीज़ घटती है दूसरी बढ़ती है तो इसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, अगर मैं इस दोनों डिपेंडेंस को मिलाता हूँ तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू जनरली वन रहती है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो वो फॉर्मूला यहाँ से बना था। तो मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है।
अभी तक हमारे पास डिस्कशन जो हुआ है ये हुआ है, वो बता देता हूँ मैं अभी तक क्या क्या हुआ है। मैंने बात करी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्जेस के फ्लो से बनता है, ठीक है। पर मैंने बताया था कि चार्जेस का फ्लो तो आपके पास किसी भी वायर में या हर मटेरियल, मेरे अंदर भी हो रहा है, मार्कर के अंदर भी हो रहा है, हर चीज़ के अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अगर चार्जेस का फ्लो हर जगह पे हो रहा है तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था, अगर चार्जेस के फ्लो को आप करंट बोलते हो और हर चीज़ के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हर चीज़ को करंट, हर चीज़ के अंदर करंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चार्जेस तो हर चीज़ में फ्लो हो रहे हैं। पर आप देखते हैं कि नॉर्मल वायर या नॉर्मल इस मटेरियल को मैं छू रहा हूँ तो मेरे को करंट नहीं लगता, पर जो बाहर पोल से जो आपके वायर गए होते हैं उनको जाके छूए तो उनको करंट लग जाता है। तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं हुआ, हालांकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज तो हर चीज़ में फ्लो करते हैं, चार्ज इसमें भी फ्लो कर रहा है, बाहर वाले वायर में भी फ्लो कर रहा है, करंट उसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। तो इसका मतलब खाली चार्ज के फ्लो से करंट नहीं बनता, कोई और भी कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन फिर मैंने क्या बताया कि हालांकि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस इसमें भी फ्लो कर रहे हैं, उसमें भी फ्लो कर रहे हैं, जो बाहर वाला वायर है उसमें भी और इसमें भी, दिक्कत क्या थी कि अगर आप कोई क्रॉस सेक्शन एरिया इसके अंदर सेलेक्ट करते हो, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया करंट को देखने के लिए कोई एरिया तो सिलेक्ट करोगे, और आप जब चेक करते हो इनके अंदर चार्जेस का फ्लो, तो इसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन उधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, आपको हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते दिखेंगे और आपको नेट फ्लो दिखेगा ही नहीं चार्ज का। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया, एक मॉल के अंदर आदमी जा रहे हैं, तो मान लो अंदर पहले से ही 100 आदमी हैं, तो एक आदमी बाहर से आया, तो जैसे ही वो एंटर किया एक अंदर, एक आदमी अंदर से बाहर निकल गया, तो अंदर कितने रहे, एक बाहर निकला एक आया, तो वापस तो क्वांटिटी तो उतनी ही होगी ना, तो नेट तो कोई फ्लो हुआ ही नहीं। एक आदमी 100 थे अंदर, एक बाहर निकला एक अंदर चला गया, तो 100 ही रहे ना अंदर, तो नेट फ्लो तो बना ही नहीं। सेम वे इधर हो रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया में एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक उधर चला गया, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे चला गया, तो नेट तो फ्लो कोई हो ही नहीं रहा, इसलिए इनमें करंट नहीं बनता, ठीक है। तो करंट की एक और कंडीशन क्या आई कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का फ्लो तो होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। जब तक किसी एक डायरेक्शन में आपको चार्जेस जाते नहीं दिखेंगे तब तक करंट नहीं बनता। इनके अंदर चार्जेस मूव जरूर कर रहे हैं पर वे रैंडमली मूव करते हैं, कोई किधर कोई किधर, तो इनके अंदर चार्जेस का नेट फ्लो नहीं होता। एक का चार्ज उधर तो एक चार्ज इधर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। बाहर जो वायर, जो पोल वाला वायर है जिसमें करंट लगता है, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं कि चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करना लग जाए, उस सिस्टम को बताएंगे कि वो कैसे अचीव हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर बात आई कि चार्ज को, चार्ज का फ्लो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको मेजर कैसे करें, मेजरमेंट तो होती है ना भाई करंट की, कि इस जगह पे इतना करंट आ रहा है, इस जगह पे इतना करंट आ रहा है, तो मेजरमेंट तो होती है। तो मेजर करने के लिए देखिए, चार्ज की यूनिट है एम्पियर और इसको एमीटर करके एक डिवाइस है उससे मेजर किया जाता है, आप स्पेलिंग देख लेना बुक में, ठीक है, ओके। तो ये एमीटर क्या करता है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है। ये क्या देखता है, आपके पास किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो तो कर रहे हैं पर किस रेट से फ्लो कर रहे हैं। जिसमें ज़्यादा रेट से फ्लो करेंगे, ज़्यादा फास्ट फ्लो करेंगे, वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, जिसमें कम फ्लो करेंगे वहाँ पर करंट कम होगा। तो आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, आप दो चीज़ देखेंगे, आप देखेंगे कि चार्ज, एक तो करंट डिपेंड करता है चार्ज पर, चार्ज ज़्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है। किसी जगह पर चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा तो वहाँ पर करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। फिर दूसरा फैक्टर आप इसी के अंदर देखेंगे टाइम का, किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, जो ज़्यादा स्पीड से फ्लो जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा फास्ट जहाँ से चार्जेस मूव कर रहे हैं, जितने तेज़ चार्जेस मूव करेंगे वहाँ पर करंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। बात वैसी है ना, मैंने आपको बताया करंट, जैसे वाटर करंट, वाटर करंट होता है, एयर करंट होता है, तो आप कहाँ बोलते हो हवा तेज चल रही है, एयर करंट कहाँ बोलते हो हवा तेज चल रही है, जहाँ पे लगातार आपको झोंके, हवा के झोंके लग रहे हैं, और कहाँ बोलते हो हवा धीरे चल रही है, एक बार थोड़ी सी हवा लगी फिर एक दो मिनट के बाद अगला झोंका आया, तो आप बोलते हो कि जहाँ पे एक दो मिनट के बाद आ रहे हैं वहाँ पे हवा कम चल रही है, जहाँ पे लगातार आपको हवा लग रही है वहाँ पे हवा तेज चल रही है, ठीक है। ऐसा ही इसमें, जहाँ पे चार्जेस ज़्यादा फास्ट फ्लो कर रहे होंगे वहाँ पे करंट ज़्यादा है, जहाँ पे चार्जेस स्लो फ्लो कर रहे हैं वहाँ पे करंट कम है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बनी कि करंट डिपेंड करता है चार्ज पर, चार्ज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा,
करंट डिपेंड करता है टाइम पर, टाइम जितना कम लेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। इन्वर्स रिलेशन दोनों को मिला के हमारे पास फॉर्मूला बनता है। चार्ज को मेजर कैसे करेंगे, आपको रेट को मेजर करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसी के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट हो गई होगी शायद, वी आर कमिंग एट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। देखिए जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट की खोज हो चुकी थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसकी खोज नहीं, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे कन्वेंशन बनाया गया कि जो आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो वही डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज कौन, ठीक है, कौन होता है पॉजिटिव चार्ज किसी मैटर के अंदर, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो कन्वेंशनली क्या माना गया, कन्वेंशन ही कन्वेंशन, भाई देखिए इतना तो पता था चार्जेस के फ्लो को करंट बोलते हैं, और उस टाइम पे एक ही चार्ज नोन था प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इन्होंने चार्ज का फ्लो तो बताना ही था ना, और चार्ज कौन है, या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की तब तक खोज हुई नहीं थी, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज हो रखी थी, तो बता दिया कि प्रोटॉन के जिस तरफ प्रोटॉन मूव करेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो कन्वेंशन मतलब मान लिया, कन्वेंशन का मतलब मान लिया, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, वही क्या होगी आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विल बी द डायरेक्शन, विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की डायरेक्शन होती है, ये स्टार्टिंग में माना गया था कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए आगे जाके क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, अभी तक तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन की खोज थी, पॉजिटिव चार्ज है कौन, प्रोटॉन, ठीक है, किसी मैटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता किसका है, प्रोटॉन की वजह से होता है, ओके। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे.जे. थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद भाई क्या हुआ कि देखा इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, और ये आपके पास उतना ही चार्ज रखता है जितना प्रोटॉन के पास है, पर इलेक्ट्रॉन आपके पास आउटर मोस्ट शेल में मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन 1800 गुना ज़्यादा हल्का है प्रोटॉन से, ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया कि एक्चुअली में मूव इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन नहीं करते, प्रोटॉन बड़ा हैवी पार्टिकल है, प्रोटॉन बात हुई थी ना हमने, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास, ये सब बताया था आपको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखा था हमने, एक प्रोटॉन 1876 गुना ज़्यादा हैवी होता है आपका इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, प्रोटॉन भारी पार्टिकल है, प्रोटॉन एक्चुअली में मूव नहीं करता, ठीक है। जनरली इन्होंने क्या पाया, प्रोटॉन मूव नहीं करता, एक्चुअली में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होता था, इन्होंने उस टाइम पे प्रोटॉन का पता था खाली, तो इन्होंने बोल दिया प्रोटॉन की जो डायरेक्शन है मूव करने की, वही आपके पास किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की। बट लेटर दे फाइंड आउट दैट द इन रियल सिचुएशन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आपके पास, प्रोटॉन मूव नहीं करता। अब इनको ये दिक्कत हुई कि अब दुनिया को तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई जो जिस तरफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो
अब दुनिया को फिर कैसे बताएं कि हमने तो आपको भाई गलत बता दिया, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूव करने की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इन्होंने सोचा सबको अब उल्टा बताएंगे तो सब गलत इम्प्रेशन जाएगा और सबको चेंज करना पड़ेगा अपना। तो इन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन तो वही रखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली, पर एक्चुअली में क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने पहले बोला था पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को करंट बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, पॉजिटिविटी उधर बढ़ रही है तो नेगेटिविटी इधर बढ़ेगी ना आपके पास, जिस तरफ पॉजिटिव बढ़ रहा है उससे दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला पॉजिटिव की तरफ करंट है तो नेगेटिव तो इस तरफ आएगा, पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव इस तरफ आएगा। इन्होंने बोला पॉजिटिव की तरफ करंट है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ करंट है, करंट उस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। दोबारा से सुनो, इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया प्रोटॉन की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होता है, पॉजिटिव चार्ज सपोज करो उधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उधर तो करंट भी उधर, इन्होंने दुनिया को ये बता दिया। पर बाद में इन्होंने पाया कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का उधर जाना मतलब कि नेगेटिव चार्ज का इधर आना, ऐसा बोला जा सकता है। भाई अगर सूरज की रोशनी, रोशनी का उधर जाना तो मतलब आप बोल सकते हैं अंधेरा इस तरफ आ रहा है, रोशनी दूर हट रही है, अंधेरा इधर आ रहा है ना। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का उधर जाना नेगेटिव चार्ज का इधर आना होता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में दुनिया को बता रखा था पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, करंट उस तरफ है। तो इन्होंने पाया पर उस टाइम पे जिस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज है वे इधर आ रहे हैं। अब इन्होंने करंट दुनिया को उधर बता दिया, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या चेंज किया कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है मूव करने की, करंट की डायरेक्शन उससे अलग होती है, उससे अपोजिट होती है। तो इन्होंने जो नेट अब जो डायरेक्शन दी है ये भी ठीक है, अब जो डायरेक्शन दी है इसमें बस दिक्कत ये है कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता है। अब इन्होंने क्या डायरेक्शन दी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, ये वाली ठीक ठीक दोनों ही है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ इसको। तो क्या समझ में आया हमको कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, बात ये भी ठीक थी, इन्होंने इस चीज़ को चेंज नहीं करा, करंट अभी भी उसी तरफ है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहिए, मूव करने वाला ये बताते थे, पर अब बोल क्या दिया इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन में। तो इन्होंने दुनिया के सामने डायरेक्शन वही रखी, बस उनको ये बोल दिया कि एक्चुअली में प्रोटॉन मूव नहीं करते, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इससे उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ मूव करते हैं करंट उससे उल्टी डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो करंट होगा, द करंट विल बी इन दैट डायरेक्शन। तो ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट इस तरफ होगा। ठीक है, तो करंट विल ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से उल्टी डायरेक्शन में, और अगर पॉजिटिव चार्ज आपको पता है तो पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन में करंट हुआ करेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे दो केस पूछूं, जैसे केस वन, एक प्रोटॉन है और ये आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपसे पूछा गया करंट किस डायरेक्शन में होगा। दूसरा केस मैं आपसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट किस तरफ होगा। तो देखिए, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है आप सभी को पता है, तो करंट की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन होती है। अगर प्रोटॉन उधर मूव कर रहा होगा तो करंट भी उसी तरफ होगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी वही होगी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का नीचे जाना करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से उल्टी डायरेक्शन में होती थी, तो करंट आपके पास
ऊपर की तरफ होएगा, ठीक है। ये मतलब बन रहा है हमारे पास इधर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मूव करने से, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, करंट वाला जो सिनेरियो वो पूरा कर लेते हैं। ये एमीटर का मैंने देख लिया है, एमीटर में डबल एम आएगा, ठीक है। एमीटर क्या है? ये वो डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। एमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, ये जो एमीटर है इसमें एक और चीज़ आप याद रखेंगे, एमीटर को हरदम सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर यहाँ लिख देता हूँ, एमीटर वो डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। करंट को मेजर करना है, आप बाजार से एक डिवाइस खरीद के ले आए जिसका नाम था एमीटर। अब वायर में किधर इसको कनेक्ट करूं कि ये करंट को मेजर कर सके, तो इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन आगे जाके आएंगे कि सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं। हालांकि अभी आप ये समझ लो सीरीज मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ देना, ठीक है। जैसे आपके पास अभी वैसी तरह समझ लो, बाकी डिटेल में आएगा सीरीज। जैसे मान लो एक पानी का पाइप जा रहा है, ठीक है, पानी का पाइप जा रहा है, इसके अंदर ऐसा पानी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे टैप लगे हैं बीच बीच में, ठीक है। जैसे स्कूलों में होते हैं, ये एक टैप लगा है, ये एक टैप लगा है, एक टैप लगा है, इस तरीके से टैप लगे हुए हैं, पानी का पाइप है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है इससे, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, जब डायरेक्ट कनेक्ट हो। तो सीरीज कनेक्शन में आपके पास एक के बाद मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का एक ही रास्ता होता है, उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो मान लो एक वायर है, ऐसा वायर के अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो एमीटर नाम का जो डिवाइस होता है वो आपको इसके साथ डायरेक्ट जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। ये एमीटर जोड़ दिया, ये एमीटर का सिंबल है, सिंबल भी आगे सीखेंगे कैसे कैसे बनता है। तो एमीटर आपके पास वायर में डायरेक्ट लगा दो तो आपको वो करंट मेजर कर देगा, तो ये सीधा सीधा जोड़ना होता है, ठीक है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, अभी इस पॉइंट को याद रख लेंगे। आगे जाके जब सीरीज पैरेलल कनेक्शन जब आएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सीरीज कनेक्शन किसको बोलते हैं और पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं। ये हो गया आपके पास करंट के बारे में। अब फिर हमारे पास आगे आता है करंट की जो यूनिट है, जो मैंने बताई करंट की यूनिट क्या है यहाँ पे, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था। तो करंट की जो यूनिट है इसको डिफाइन करवाएंगे, वो बोलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को डिफाइन कर दो, ठीक है। तो करंट की यूनिट में जब आप आंसर बोलेंगे तो पहले तो आपको यही बताना है कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर के अंदर, ठीक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, इतना बता दिया। अब आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आपके पास करंट का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, करंट को आई से, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते थे, इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको किसको डिफाइन करना है, 1 एम्पियर को। ये क्वेश्चन क्या पूछता है एक्चुअली में, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट बोल लोगे किसको भाई, आप बोलते हो करंट 1 एम्पियर फॉलो कर रहा है, 2 एम्पियर फॉलो कर रहा है, 3 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है, देखिए अब इसको दोबारा से रिवर्स में जाते हैं। मैंने करंट को डिफाइन कैसे किया था, कोई भी कंडक्टर के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करो, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेक करो कि कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर टाइम, वो आपके पास करंट बनाता था। अब 1 एम्पियर करंट कब बनाएगा ये देखो, अगर किसी कंडक्टर के अंदर पूरा 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के अंदर अगर पास हो रहा हो, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेक्ट कर लो, कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान लो सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर करंट बताओ, तो आप कहीं पर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कहीं पर भी, यहाँ पर ये कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेक्ट करो।
आप चेक करो उसमें कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कर रहे हैं, ऐसा चेक कर लिया कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। अगर ये पता है तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट पता चल जाता है। तो ये करंट 1 एम्पियर कब होगा, ये करंट 1 एम्पियर कब होगा भाई, लेफ्ट साइड में 1 कैसे आएगा, जब ये क्यू भी 1 आ जाए, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, जब टाइम भी 1 आ जाए, 1 डिवाइडेड बाई 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। इसको आप 2 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते थे, 2 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ये कट के आना तो यही है 1 बाई 1। इसको 3 बाई 3 भी कर सकते थे, 4 बाई 4 भी कर सकते थे, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, कट के अब 1 बाई 1 ही आना था। 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, 1 से 1 भाग किया तो 1 ही आ जाएगा ना आपके पास, तो ये ठीक लिखा हुआ हमारे पास। तो इस डेफिनेशन को मैं खोलता हूँ, ये कैसे बनी, ये कैसे बनती थी, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना चार्जेस फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, चार्ज कितना फ्लो हुआ है इसके अकॉर्डिंग, 1 कूलम का, कितना टाइम लिया है उसने, 1 सेकंड का। भाई डेफिनेशन करंट की कैसे आती थी, चार्ज ऊपर लिखा होता था, टाइम नीचे लिखा होता था। ऊपर कितना चार्ज लिखते थे, जितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस किया। टाइम कौन सा लिखते थे, जितना उसने टाइम लिया है, तो ऊपर 1 कूलम लिखा है, इसका मतलब क्या है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम का चार्ज पास हुआ होगा, ठीक है। नीचे टाइम 1 सेकंड लिखा है, तो मतलब उस चार्ज ने पास होने में 1 सेकंड का टाइम लिया होगा। तो इन दोनों को भाग किया तो आपके पास 1 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, जब भी कभी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे उस कंडक्टर के अंदर 1 कूलम का चार्ज, वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो डिफाइन 1 एम्पियर या डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट में आप क्या बोलेंगे, Whenever the charge of 1 coulomb is passing through any cross sectional area in 1 second, ठीक है, या rate of flow of charge 1 coulomb per second की है, तो आप बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट आपके पास फ्लो हो रहा है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो आप बोलेंगे उस तार के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करा, आपने देखा 1 कूलम का चार्ज गया 1 सेकंड में, तो आप बोलेंगे इसके अंदर 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं मैं, सॉरी, ठीक, इसमें मैं लिख देता हूं, Whenever define the unit of current को मैं define कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, ये important है। और ये whenever a charge of 1 coulomb, a charge of 1 coulomb is flowing through any cross sectional area through any cross section of a conductor in one second, then the conductor is said to have 1 एम्पियर ऑफ करंट। कब बोलोगे कि आप 1 एम्पियर का करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, आप क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करेंगे, देखेंगे 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में जा रहा है, तो 1 कूलम चार्ज 1 एम्पियर का करंट है, वरना नहीं है, ठीक है। तो जब भी किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट है, वरना नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ करंट, और ये इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछी जाती है आपके पास। एक लास्ट चीज आपके पास बुक के अंदर दे रखा होगा, एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 12.1 एनसीईआरटी की बुक में, वो कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
क्वेश्चन आप तब तक पढ़ ले। क्वेश्चन बोलता है, एक मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, आप बुक से देख लेना, ओके। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे रखी है आपको, आपको पीछे एम्पियर लिखा दिख गया तो समझ लो करंट की यूनिट है, तो करंट की वैल्यू दे रखी है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोन बाई ए फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो जो चीज़ दे रखी है ना लिखते चले जाओ, बाद में पढ़ते चले जाओ, ठीक है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आपको पता है करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर का, पहले लिख ही लो, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लो। 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के अंदर वे वायर से रहते हैं ना, उसके अंदर से फ्लो कर रहा है ये करंट, ठीक है। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, मिनट्स की यूनिट होती है टाइम की, तो आपको टाइम भी दे रखा है कि 10 मिनट के लिए ये करंट फ्लो हुआ है 10 मिनट्स के लिए। पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, आपसे पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू की वैल्यू पूछी है। ध्यान देना, टाइम हम हरदम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इस मिनट को पहले सेकंड में चेंज करेंगे। आप सभी को पता है एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 600 सेकंड आ गए, 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं, सबको पता है ना। चार्ज पूछता है, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आई पता है, टी पता है, क्यू पूछा है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्यू किसके बराबर आ जाएगा, टी उधर चला जाएगा गुणा में, इधर भाग में था उधर जाके गुणा में हो जाएगा। क्यू आपसे पूछा है तो आई की वैल्यू रख दो कितनी है 0.5, टाइम की वैल्यू लिख दो कितनी है 600, इसको आप गुणा कर लो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ये आपके पास 300 कूलम आ गया, 300 कूलम का चार्ज उससे फ्लो हुआ होगा, तब 0.5 एम्पियर का करंट बना होगा 10 मिनट के अंदर, ठीक है, ठीक है, आसान सा था, ओके। इसके बाद आपके पास ये इंटेक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है, ये भी हमने किया नहीं है, ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा इन्होंने पूछा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर अभी डिफाइन कर ली हमने। थर्ड इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, एक कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं ये बता दो मेरे को, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, अगर आपको याद हो तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैग्नीट्यूड लिख लो, माइनस प्लस का गिनती पे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मैं इसको थोड़ा सा उलट करके लिखता हूँ, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है चार्ज, इक्वल टू ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इतने कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 1 कूलम कितने के बराबर होगा, ठीक है। जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है भाई, 100 रुपये का, एक 100 रुपये के 1000 पेन आते हैं, तो 1 पेन कितने का आएगा, भाग कर देते हैं ना, जैसे आप ये करते हैं, 100 रुपये के 1000 पेन आते हैं, तो 1 पेन कितने का आएगा, छोटी क्लासेज में किया है, 1 का निकालना होता था तो आप भाग कर देते थे इस तरीके से, तो 1 के आपको पता चल गया 10 पेन आ रहे हैं, भाग करके देख लें, ठीक है, ऐसा ही तो इधर है, इतने सारे कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बनता है, इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 1 कूलम चार्ज कितना बनेगा, भाग कर दो यहाँ पर भी, जब भी 1 का कम का निकालना होता है तो भाग कर देते हैं, ठीक है, तो 1 का निकालना है तो भाग कर दो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा, इसको आप भाग करेंगे तो ये आपके पास 6.25 × 10⁻¹⁸
ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा। मतलब कि जब आप बोलते हैं एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, दो कूलम, जब पिछले क्वेश्चन में ही हमारा आंसर निकल के आया था 300 कूलम चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, एक कूलम चार्ज का फ्लो होने का मतलब ये है कि 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर गए। मैंने बताया था करोड़ों अरबों की भी पावर अरबों, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, एक मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो मैं ये दिखा रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, चार इलेक्ट्रॉन चले गए, एक्चुअली में दो चार नहीं जाते, इतने इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 की पावर 18, 19, इस तरीके से। देखो एक कूलम चार्ज में के अंदर ही 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 300 में तो इसका 300 गुना जाएंगे, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं, 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। ये समझ में आया भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स था। 100 रुपये के 1000 पेन आते तो एक का कितना आएगा, भाग कर देते हो, ठीक है। अब मान लो आप, ये तो नॉर्मल सा आप देखते हैं कि आपने देखा एक दुकान पे 10 रुपये की 100 टॉफी आती है, तो 1 रुपये की कितनी आएगी, भाग कर देते हैं, 1 रुपये की 10 टॉफी आएंगी, ठीक है। सेम वे 1.6 × 10 की पावर −19 कूलम जो चार्ज बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, तो एक कूलम कितने का होगा, भाग कर देंगे, ठीक है। एक कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं, ठीक है। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है कुछ बुक्स में, क्यू इजिकल टू एन ई करके कर रखा होगा, वो थोड़ा सा आपके बड़ी क्लासेस का है, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपने पढ़ा भी नहीं है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस चीज़ का आंसर ढूंढेंगे कि बाहर वाला वायर में ऐसा क्या हुआ कि चार्जेज एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे और एक डायरेक्शन में चार्ज के मूव करने की वजह से करंट बना। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर का आपके पास थीम रहेगी। डाउट्स आप क्लास में, डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना अपने नोट करते रहे। थैंक यू।